मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। ठीक है, आज अपन क्लास सिक्स का चैप्टर सिक्स, हु आई एम द वंडरफुल्स वर्ड्स, इसका जो सेकंड पार्ट्स है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, मल्टीपल मल्टीपल का अर्थ होता है अनेक, ठीक है। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। ज्ञान बुद्धि के जो अनेक प्रकार है, इस पार्ट के अंदर अपने का छः प्रकार के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक प्रकार है इसमें विजुअल, दूसरा है वर्बल, तीसरा है मैथमेटिकल्स, चौथा है बॉडली, पांचवा है म्यूजिकल और छठा है इंटरेस्ट प्रोल। ठीक है, इन छः के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है विजुअल इंटेलिजेंस। यू लाइक टू थिंग्स इन पिक्चर, अपन कोई भी तस्वीर देखेंगे, क्रीचर, प्राणी, मेंटल इमेजिंग, उनकी जो इमेज है उसको देखेंगे। टू रिमेंबर थिंग्स, उसके बारे में अपन याद रखेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। यू एन्जॉय लुकिंग इट, किसी चीज़ के बारे में अपन एन्जॉय करेंगे। एट मैप्स, कोई भी नक्शा वगैरह है, चार्ट है, पिक्चर है, वीडियो है और मूवी है, इनके बारे में अपन क्या पसंद करते हैं। यू आर गुड एट, अपन किस क्षेत्र के अंदर अच्छे हैं। पजल बिल्डिंग्स, कोई भी मकान बनाने में अपन होशियार है। रीडिंग्स, कोई पढ़ने में है, कोई राइटिंग्स में है, कोई अंडरस्टैंड्स मैप, कोई नक्शा बनाने के अंदर है, कोई चार्ट बनाने में, कोई ग्राफ बनाने में, ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, कोई दिशा के बारे में अच्छा जानता हो। स्केटिंग, पेंटिंग, कोई पेंटिंग करने में अच्छा हो। फिक्सिंग, कोई मिक फिक्स करने के लिए फोटो वगैरह होता है उसको मिक्सिंग करने के अंदर। और मेकिंग्स ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंड पिक्चर, और बहुत सारी तस्वीरें हैं उनको बनाने के अंदर लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, ज्ञानकार होते हैं। यू कैन बिकम से, अब अगर ये अपन होंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, तो नेविगेटर्स बन सकते हैं। नेविगेटर का अर्थ होता है नाविक। स्केप्टर, स्केप्टर का अर्थ होता है मूर्तिकार। आर्टिस्ट का अर्थ होता है कलाकार। इन्वेंटर, इन्वेंटर का अर्थ होता है आविष्कार, ठीक है, कोई भी चीज़ की आविष्कार करने वाला, ठीक है। आर्टिस्ट, इन्वेंटर, डिजाइनर, कोई भी डिज़ाइन बनाने वाला, मैकेनिकल कोई भी, और इंजीनियर, इस क्षेत्र के अंदर अपन प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, विजुअल। विजुअल के बाद में आता है वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंट में क्या क्या होता है, तो यू लाइक इट, इसमें अपन क्या पसंद करते हैं। यूज़ वर्ड, कोई भी शब्द है, एंड लैंग्वेज, कोई भी भाषा है। यू स्पीक वेल, अपन कोई भी भाषा को बड़ी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड थिंक इन वर्ड रेदर्स देम पिक्चर, और कोई भी तस्वीर के माध्यम से अपन उसको समझ सकते हैं। यू आर गुड एट, किस क्षेत्र में अपन अच्छे होंगे। स्पीकिंग, बोलने के अंदर, राइटिंग, लिखने के अंदर, स्टोरी, कोई भी कहानी नहीं, टेलिंग्स, बताने के अंदर, लिचिंग, सुनने के अंदर, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग्स, यूजिंग होमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, कन्विंसिंग सम वन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वर्बल क्षेत्र में अपन प्रसिद्ध है तो किन किन क्षेत्र में अपन जा सकते हैं। पोइट, पोइट का अर्थ होता है कवि, का अपन कवि बन सकते हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का अर्थ होता है पत्रकार, अपन पत्रकार बन सकते हैं। राइटर, राइटर का अर्थ होता है अपन लेखक बन सकते हैं। लॉयर, लॉयर का अर्थ होता है वकील, अपन वकील बन सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का अर्थ होता है अपन राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। और लास्ट में आता है ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का अर्थ होता है अनुवादक, अपन बन सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा अपना आता है वो मैथमेटिकल्स इंटेलिजेंस। यू लाइक टू यूज रीजन, उसका क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या है उसका नंबर है। ऑलवेज क्रिक्स अबाउट द वर्ड्स अराउंड यू, आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट। अपने के अंदर कोई भी क्यूरियस है, क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुकता। लॉजिक, लॉजिक का अर्थ होता है तर्क, ठीक है। रीजन का अर्थ भी होता है तर्क। एक्सपेरिमेंट्स का अर्थ होता है प्रयोग, गणित के अंदर कोई भी प्रयोग वगैरह आते हैं तो उसको अपन करना पसंद करते हैं। यू आर गुड एट, अब अपन किस क्षेत्र में अपन अच्छे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या आती है तो उसको अपन फटाक से सॉल्विंग कर लेते हैं। सॉल्विंग पजल, पजल का अर्थ होता है पहेली, कोई भी पहेली आती है तो उसको अपन सरल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन, कोई भी प्रयोग वाले प्रश्न है तो उसको अपन सरल कर सकते हैं। एंड वंडरिंग्स, कोई भी आश्चर्यजनक प्रश्न है। अबाउट नेचुरल इवेंट्स है, कोई प्राकृतिक घटना के बारे में, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, इनके बारे में। डूइंग्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ है, बाकी है, गुणा, भाग है, इसके बारे में। वर्किंग विद ज्योमेट्रिकल शॉप्स, जितने भी ज्योमेट्रिकल जो रेखा गणित के प्रश्न है उसके बारे में, ठीक है। तो अपन इसके क्षेत्र में अगर प्रसिद्ध है मैथमेटिकल्स के क्षेत्र में, तो अपन क्या क्या बन सकते हैं। तो इसके क्षेत्र में अपन साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बन सकते हैं, रिसर्च खोज वाले बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं और मैथमेटिकल्स बन सकते हैं।
उसके बाद में जो हमारा चौथा पार्ट्स है वो है बॉडली इंटेक्शन। ठीक है, तो इसमें बॉडली में क्या होता है, यू लाइक टू कंट्रोल योर बॉडी, अपने बॉडी शरीर है उसको कंट्रोल करना, मूवमेंट कोई भी क्षण भर है, एंड हैंडल्स ऑब्जेक्ट स्किलफुल, हमारे जो स्किल्स है उसको हैंडल करना, यू हैव ए गुड सेंस ऑफ बैलेंस, अपने अंदर जो बैलेंस है उस बैलेंस को कैसे रखना, एंड कैन कैच, कोई भी वस्तु है उसको कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे उसको हिट कर सकते हैं, कोई भी बॉल वगैरह है, वॉल है, दीवार है, उस पर अपन कैसे चढ़ सकते हैं, अगर अपने अंदर कौशल है, गुणवत्ता है, तो अपन दीवार को भी पार कर सकते हैं, कोई भी कठिन काम है उसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, यू आर गुड एट, इस क्षेत्र में अपन अच्छे किस प्रकार से बन सकते हैं, डांसिंग है, फिजिकल्स है, ठीक है, कोरिटनिंग है, स्पोर्ट है, क्राफ्ट है, एक्टिंग्स है, यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएचर और बिल्डिंग्स है, ठीक है, यू एक्सपीरियंस इमोशनल थ्रो योर बॉडी है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अपन होंगे तो क्या क्या कार्य अपन कर सकते हैं, तो इसमें अपन डांसर बन सकते हैं, एथलेटिक्स के अंदर अपन जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में अपन जा सकते हैं, टीचर लाइन में अपन जा सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, ठीक है, फायर फिक्टर्स अपन बन सकते हैं, और क्रैफ्ट पर्सन अपन बन सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अपन जा सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा पांचवा छठा पार्ट्स है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, टू लाइक टू अंडरस्टैंड्स अदर, दूसरे लोगों को समझना, यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे लोगों के तरफ ध्यान आकर्षित करना कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, यू आर ए गुड ओरिजिनर्स एंड मैनेज टू गेट अदर्स पीपल, दूसरे लोगों को अपन कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, पीपल टू कोऑपरेट, उसके अंदर लोगों के अंदर अपना क्या कोऑपरेट हो सकता है, क्या अपना योगदान हो सकता है, एंड वर्क एज ए टीम, किस प्रकार से अपन उस टीम के साथ में काम कर सकते हैं। सीनिंग थिंग फ्रॉम अदर व्यू, लिसनिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कोऑपरेटिंग्स एंड ग्रुप्स, नोटिंग्स पीपल्स मूड, कम्युनिटीज बिल्डिंग ट्रस्ट। अब ये सत्र है तो इसमें अपन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में स्पेलेस प्रेस अपन बन सकते हैं, उसके बाद में पॉलिटियंस बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, तो इस क्षेत्र में अपन ये चीज़ अपन कर सकते हैं। अब अपने इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड के प्रश्नोत्तर, जैसे पहला है, व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, आई यूज माय, कौन सी इंटेलिजेंट होगी, बॉडीली होगी। दूसरा प्रश्न है, व्हेन आई एंजॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जाम्पिंग पिक्चर, आई यूज माय विजुअल इंटेलिजेंस। उसके बाद में जो तीसरा है, व्हेन आई एंजॉय वर्क विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, आई यूज माय मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग्स ए स्टोरी और आर्ग्यूंग्स, आई यूज माय वर्बल इंटेलिजेंस। अब इसका जो दूसरा भाग है, इसको मैच करना है, ठीक है, मैच द जॉइंग्स ऑफ द लेफ्ट विद इट डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट, राइट और लेफ्ट में दो दिए हुए हैं उनको आपस में मिलाना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नेविगेटर है, तो उसको जो सेकंड पार्ट्स है उसमें जो सी वाला ऑप्शन है उसको मिलाना, इसको जो ये नेविगेटर है इसको सी से मिलाना, ठीक है। दूसरा आर्टिस्ट, तो इसको आर्टिस्ट को अपन किससे मिलाएंगे, जो ई के अंदर आपको दिख रहा है आर्टिस्ट, इसको जो ई के अंदर आपको दिख रहा है ये भाग अपन को इसमें लिखना है। इसी प्रकार जो तीसरा आ गया पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन है थर्ड नंबर पे, तो इसको अपन कहाँ मिलाएंगे, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये, तो इसको अपन किस में लिखेंगे, तीन नंबर में यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके जो आगे आपको मिलाए हुए हैं, इन प्रश्नों को आपको देखना और इनको सरल करना।